गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह उठ गए हैं। कल रात को तो हमने बहुत मज़ा मारा, बहुत एंजॉय किया। रात को मेरे ख्याल से 4 बजे तक हमने पूरा एंजॉय किया। म्यूजिक वगैरह बारबेक्यू जो हो रहा था आपको मैंने दिखाया। पूरा जंगल एरिया है, लाइट शॉट था इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। तो सोचा सुबह उठ के आपको ये प्रॉपर्टी दिखा दूँ। तो डिटेल में थोड़ा आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, आपको आइडिया मिलेगा। आप अगर ये प्रॉपर्टी में आना चाहते हो, बुक करना चाहते हो, तो क्या सारे फैसिलिटीज़ है, क्या व्यू है यहाँ का, आसपास का लोकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो डिटेल में दिखाता हूँ और उसके बाद पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, बहुत ही सस्ते में आपको मिलेगा। ये जो है मैं लोन एरिया में आया हूँ। बैकग्राउंड में आप देख रहे हो पूरा ग्रीनरी है और इसके बगल में ही है ये अपना स्विमिंग पूल। ये आपके लिए रूम्स है, 3 रूम है, रूम के अंदर भी लेके जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ। स्विमिंग पूल के बाद ये एरिया में आपको दिखाता हूँ। आसपास का जो एरिया है पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा जो दूध सागर वाला एरिया ये है। यहाँ पे ये जो ये साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे शावर है, आप स्विमिंग पूल के बाद वहाँ पे जाके फ्रेश हो सकते हो। तो स्विमिंग पूल का एरिया काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल पानी भी क्लीन है। और ऊपर जो आपको दिख रहा है ये धूप के टाइम पे और फ्लोर को थोड़ा ठंडा रखने के लिए डाला है। और बाकी हमारा सेटअप जो है वहाँ पर चल रहा था, जो भी अभी पैकअप हो रहा है। तो ये एरिया आपको दिखाया मैं बाहर का, और अंदर का भी आपको दिखाता हूँ। आसपास का एरिया आप देख रहे हो, ये जो बागान आपको दिख रहा है ये सारे सुपारी का बागान है। सुपारी, कोकोनट ट्री, कैजू नट्स, मैंगो ट्री वगैरह आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो सेटअप, यहाँ पे हमने कल बॉन फायर किया था, बारबेक्यू का सेटअप था। यहाँ पे आपको वॉलीबॉल का कोर्ट है, नेट लगाया गया है, ये भी गेम यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। ग्रुप में आ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरे साइड में एक शेड है, वहाँ पे भी डांस, ग्रुप डांस पार्टी वगैरह आपको करना है तो कर सकते हो। ये जो एरिया है यहाँ पे टेबल्स वगैरह आपको लगेगा, कुर्सी टेबल लगेगा। प्रशांत बैठा है, कुछ काम कर रहा है उसका। तो ये अपना रूम एरिया है और इसके फ्रंट में ही जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये स्विमिंग पूल है। तो अंदर चलते हैं, रूम का क्या ऑप्शन है आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बड़ा स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर, आप आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। इनके पास 3 रूम है, ये देखिए यहाँ पे एक बेड है, फैन है, वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, और टॉयलेट बाथरूम ये आपको मिलेगा, नीट एंड क्लीन है। हमने जो रूम लिया था ये दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा। ये साइड का जो एरिया आपको दिख रहा है ये किचन का एरिया है, ये एक रूम है, इसमें आप आराम से 6-7 लोग आराम से सो सकते हो। बेड जो है नीचे मैट्रेस डाला है, और ये जो रूम और ये वाले रूम पे बेड है, प्रॉपर बेड है, ठीक है। और किचन एरिया, किचन एरिया में आपको सारे किचन का जो सामान है, गैस से लेके बर्तन कढ़ाई सारे चीज़ें आपको किचन एरिया में मिलेगा। ये सारे देखिए सारे बर्तन है, गैस है, और इसके बगल में ही एक वॉशरूम है, ये वॉशरूम भी आप यूज़ कर सकते हो। और आपको पावर बैकअप के लिए यहाँ पे इन्वर्टर है, तो पावर का कोई टेंशन नहीं रहेगा। और उसके बगल में ही है बड़ा वाला एक फ्रिज, आप अपना ड्रिंक्स, फूड वगैरह जहाँ पे भी लाके आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो आपको आइस टब वगैरह लाने का टेंशन, झंझट नहीं रहेगा। तो ये पूरा प्रॉपर्टी है, काफ़ी सुंदर है, कूल प्रॉपर्टी है। पूरा जंगल एरिया, दूधसागर फॉरेस्ट लगता है। इससे आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ से एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको बगल से ही दूधसागर वाटरफॉल के लिए ट्रैक निकलता है। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको एंट्रेंस में लेके आया हूँ, अपना गाड़ी यहाँ पे है। तो यहाँ से जो रोड निकलता है, यहाँ से अंदर जो जाता है ये साइड में, यहाँ से जाना पड़ेगा आपको दूधसागर वाटरफॉल के लिए ट्रैक करना है। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। ये जो रोड दिख रहा है ये कुलेम के लिए है, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर कुलेम है। आसपास का जो एरिया है कोई भी नहीं है, फुल फॉरेस्ट एरिया है। तो फाइनली आपको प्रॉपर्टी दिखा दिया, काफ़ी हम पूरा रात एंजॉय किया, सारी चीज़ें आपको मैंने दिखाया। अभी जो टाइम है चाय पी रहे, चाय पी के यहाँ से चेकआउट करेंगे। अपने साथ है दीपेश, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ का बंदा है, अपना दोस्त है। तो ये सारे जो मैनेजमेंट आपका बुकिंग प्रोसेस, दीपेश बिल्कुल आपको हेल्प करेगा, इनसे ही जानेंगे। दीपेश भाई यस अभी बोलो, ये पहले तो ये प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, क्या प्राइस है, कितना लोगों का क्या लिमिट है, कैसा प्राइस रेंज है यहाँ का? यस तो ये अपने प्रॉपर्टी पूरा मस्त जंगल में सिचुएटेड है। जैसे ऑलरेडी आपने देखा है, पूल के साथ आपको रहने के लिए रूम्स वगैरह फैसिलिटी सब कुछ है। आप
बड़ा ग्रुप लेके आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बाकी एक्टिविटीज़ भी है खेलने के लिए भी, जो जो प्लेसेस आपको ऑलरेडी फ्रांसिस ने दिखाया होगा चैनल पे। तो यहाँ पे प्राइस अगर बताया जाए तो 4,000 to 6,000 ये रेंज में आपको है, सीजन के ऊपर सीजन के डिपेंड होता ऊपर है आपका डिपेंड प्राइस रहेगा। जो है ऊपर यस नीचे होगा। पीक सीजन में थोड़ा यस जब ज़्यादा क्राउड होंगे तो करेक्ट प्राइस ऊपर होगा। करेक्ट कांटेक्ट यस नंबर दीपेश भाई का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप बिल्कुल कॉल करके सीजन वाइज आप प्राइस डिटेल ले सकते हो और बुक कर सकते हो। फिलहाल तो सर्विस में अगर मैं बताऊं तो फिलहाल आपको किचन का जो भी आपको खाना पीना अगर जो भी करना है फिलहाल तो आपको ही लेके आना पड़ेगा यहाँ। बाकी स्टोरेज कैपेसिटी सारे है, जैसे फ्रिज वगैरह मैंने आपको फ्री दिखाया, फ्रीज है यस गैस है कुकिंग के लिए, तो सारे ऑप्शंस है। बाकी का खाना जो है यहाँ से मार्केट कुलेन हल्ली कितना, हाँ 1 किलोमीटर 500 मीटर 500 मीटर हाँ, बस जाके आराम आप से सारे सामान लेके अपना कुक करो, बारबेक्यू करो, जो करना है कर सकते हो, या फिर करेक्ट पार्सल भी लेके आ सकते हो। आपको करेक्ट दूधसागर बुकिंग काउंटर के पास सारे होटल है, वहाँ से पार्सल लाके आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो ये। और सेकंड जो ऑप्शन है, दीपेश भाई से बात कर रहा था, आप एज ए पैकेज भी बुक कर सकते हो। यस पैकेज कैसा है देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे एक दिन और एक नाइट आप स्टे कर सकते हो। जैसे आप ऐसे प्लान कर सकते हो, इवनिंग को 2-3 बजे यहाँ पे पहुँचे, रुके, स्विमिंग पूल में एक्टिविटी किया, गेमिंग किया, रात को अपना म्यूजिक, बॉनफायर, यस बारबेक्यू किया, नाइट स्टे कर लिए, करेक्ट नेक्स्ट डे सुबह 8:30-9 बजे उठ के फ्रेश होके दूधसागर वाटरफॉल के लिए आप ट्रैक करो या यस फिर जीप सफारी करो, करेक्ट ये करेक्ट कर सकते हो। ये एज ए पैकेज आप बुक कर सकते हो। और मुझे बताओ यस दूधसागर एरिया में हाँ आसपास क्या और एक्टिविटी है? वहाँ पे अगर आप अगर 20 किलोमीटर अगर रेंज में हम देखोगे तो एक मस्त तांबड़ीसुला टेम्पल है, हाँ 500 साल बिल्कुल, के ऊपर जो टेम्पल है वो महादेव है। टेम्पल है वो, यस महादेव टेम्पल है, वो आप एक विजिट कर सकते हो बराबर। डेफिनेटली। तो यहाँ से उधर जाने की कुछ फैसिलिटीज? हाँ यस यहाँ पे हमारे टैक्सी सर्विस है डेफिनेटली, सो जैसे आपको चाहिए 5 सीटर 7 सीटर 8 सीटर आपको गाड़ी मिल जाएगी, यहाँ जैसे भी से आपका लेके रिक्वायरमेंट है फिर घुमा के फिर लाके ड्रॉप वापस ड्रॉप करेगा। कर देंगे। यस नहीं तो आपको समझो वापस नॉर्थ गोवा साउथ गोवा जहाँ भी जाने आपका होटल अगर बुकिंग है तो भी डेफिनेटली आपको ड्रॉप हो जाएगा। यस अच्छा, कर सकते हैं तो दूधसागर वाटरफॉल हो गया, ऐसे आपको फार्म हाउस तो मिलेगा नाइट स्टे डेफिनेटली करने के लिए, डेफिनेटली और अपना ताम्बड़ीसुला टेम्पल भी मिल नज़दीकी जाएगा। है, यस तो ये सारे एक्टिविटी यहाँ कर सकते हो। मानसून में अगर समझो आप प्लान करते हो तो आपको ट्रैकिंग के साथ बाकी यहाँ पे छोटे छोटे और वाटरफॉल क्रिएट हो जाते हैं हाँ जो खाली मानसून में ऑटोमेटिक, होते हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो हाँ डेफिनेटली। बारिश के टाइम में छोटा यस छोटा क्योंकि छोटा ये जो मोटा, प्लेस है यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर पे एक मिनी दूधसागर वाटरफॉल जैसा है, हाँ वो भी आप देख सकते हो, लेकिन वो खाली बारिश में। बारिश के यस सीजन में अभी गर्मी में पानी नहीं रहेगा। अभी तो पानी नहीं रहेगा चलिए दीपेश भाई थैंक यू, आपको अगर कॉल आएगा अपना व्यूअर्स का थोड़ा डेफिनेटली हेल्प डेफिनेटली। करें, ठीक है, यस जो भी यस यस प्राइस रिलेटेड जो भी क्वेरी रहेगा आप हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो में इतना ही, दोनों वीडियो आपको दिया, सारे डिटेल मेरे चैनल पे है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा, यस कांटेक्ट करें और अपना दूध सागर एंजॉय करें, ठीक है। ये वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका दूध सागर प्लान के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सेफ रहे, धन्यवाद। और आप अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन और लाइक शेयर तो आप करेंगे करेंगे बिल्कुल। डेफिनेटली। थैंक यू, बाय बाय।